नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इशॉक्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड, क्या इस कंपनी को करंट प्राइस पे बाय करना ठीक होगा, इस कंपनी का अगला टारगेट क्या होने वाला है, हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाकर चलना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। सबसे पहले अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 146 रुपये का इस कंपनी ने लो बनाया था। वहीं अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 2047 रुपये का आपको हाई देखने को मिल जाएगा। अगर इस कंपनी के करंट प्राइस की बात करें तो 1553 रुपये का लेवल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यह कंपनी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन 52 वीक लो से काफ़ी ऊपर भी निकल चुका है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे 2016 में इस कंपनी की प्राइस हुआ करती थी 3 रुपए 13 पैसे, वहां से यह कंपनी चलते हुए 2000 रुपए के भी ऊपर निकल चुका था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन भी आपको देखने को मिला और यह कंपनी काफी नीचे प्राइस पे आ चुका था, यानी 1200 रुपए के आसपास में। उसके बाद इस कंपनी ने सपोर्ट लिया और अगेन बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या इस कंपनी को करेंट प्राइस पे बाई करना चाहिए या फिर थोड़े कम प्राइस पे भी यह कंपनी हमें मिल जाएगा, देखते हैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म का चार्ट क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे यह कंपनी एक रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही यह कंपनी कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है तो इस कंपनी में अगेन आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल जाएगा। अगर इस कंपनी को कंसोलिडेशन जोन की बात करें तो इस कंपनी का जो अपर रेंज है वो 1670 रुपए के पास का लेवल आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर इस कंपनी के डाउन जोन की बात करें तो 1180 रुपए का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि यह कंपनी नीचे जाता है तो सपोर्ट लेता है 1180 रुपए के पास में और ऊपर जाता है तो फिर 1670 रुपए के पास में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यह कंपनी अभी भी अपने रेजिस्टेंस रेंज के पास में जाने की कोशिश कर रहा है। तो कंपनी अगर इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 2050 रुपए का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा और जैसे उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 2200 से 2300 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू करें, क्योंकि उसके बाद यह कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखा देगा, लेकिन जैसे ही यह कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आना स्टार्ट करता है तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए इंटर हुए हैं वो चाहे तो इस कंपनी में अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब यह कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगा 1670 रुपए का तो 1650 रुपए के पास में आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कंपनी अगर इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे आता है तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना चाहिए, जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए इंटर हुए हैं। हालांकि यह कंपनी अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो इस कंपनी का अगला टारगेट 2050 रुपए तक का आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से कंपनी में जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं वो बाई कर लें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।